दुबई के अंदर आज एक बहुत बड़े मंदिर का ओपनिंग किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो, वो सपना उनका आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है इस मंदिर का उद्घाटन करके। बहुत बहुत प्राउड फील होता है। में गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के। बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। पाकिस्तान के लोगों को तो बड़ी जबरदस्त मिर्ची लगी है लिए इंडियंस को, इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ। So that's good for them. इस मंदिर के स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी टू लग रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। शारदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कैलाश राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। हम उसको बनाना तो दूर, रेनोवेट नहीं कर पाते। क्या ये सपना हुआ करता था कि अबू धाबी में मंदिर होगा? लगता है ये सपना साकार हो गया। बिल्कुल सपना साकार हो गया है। मोदी जी की मेन कृपा बनी हुई हमारे पास, ऐसे ही हम बोलते हैं कि बनी रहे उनकी कृपा। लेकिन जब मंदिरों की बात आती है तो हम कहते हैं नो, मंदिर नहीं बन सकते क्योंकि ये एक इस्लामिक रियासत है। तो फिर यूएई ने अच्छा करारा जवाब दिया है ना पाकिस्तान को, तो वो भी एक इस्लामिक रियासत है लेकिन वो बना रही है। और अबू धाबी में जो है आज एक बड़े ही भव्य मंदिर का उद्घाटन हो गया है। वहां पर खुद पीएम मोदी पहुंचे, यूएई के लोग शामिल हुए उसमें, हिंदू समुदाय के लोग हुए, यहाँ से भारत से गए हुए सैकड़ों लोग शामिल हुए और बड़ा ही ज़बरदस्त मंदिर बना है, राम मंदिर की तरह ही भव्य मंदिर है वो। पाकिस्तान के लोगों को तो बड़ी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। सर अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी के गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर। अच्छा, मतलब रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए? नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, सड़कें जाम कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, टायर जलाने चाहिए? ऐसी ऐसी बात नहीं है। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है? हाँ ठीक है, क्या है? अच्छा ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर, हमारे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने, तो ठीक है। अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है, तो करना चाहिए फिर तो बेहतर। हाँ तो पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, घाट मार। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ज़ाहरा वो तो मेरी, अगर वहाँ की हुकूमत जहाज देती है तो वो ठीक है, करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए? आपस की बात है वैसे, कुछ नहीं नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिद आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए? इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार। एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें तो देते हैं यार। वही मैं, आप अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे तो उस टाइम, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो उस टाइम देखें कि वहाँ इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, डे बाई डे बढ़ती जा रही है और मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं हैं जो उस टाइम बने थे, नया कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वही बनने नहीं दिया, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। तो अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहाँ पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क उनको वहीं करने थे जो हम कर रहे हैं, ये भी तो सही है के हिसाब से। मेरे कहने के मतलब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना, पहले ऑलरेडी पहले बनी हुई है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आकर तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया, अब वो मंदिर बना देंगे, बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, उन्होंने किसी बात को नहीं मानना ना। तो अब यहाँ पर हमारी हुकूमत, हम अपनी मर्जी से चलेंगे? नहीं एक्चुअली इंसानियत को बंदे नजर रखकर नहीं चलेंगे हम।
नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कौन से इतने हिंदू हैं यानी कि जो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे इतने हिंदू तो नहीं है ना, मुसलमान ज्यादा हैं। मुसलमान तो है ना, तो है लेकिन अकलियत में है ना, कम है ना, यानी कि शादो नादर है। अब इतने कम के लिए आप इनके मंदिर बना दें, वो तो अजीब सी बात लगती है ना। गलत बात है। देखा आपने, इस नफरती माइंडसेट की बात करते हैं कि मैं किसी नॉन मुस्लिम देश में चला जाऊं, मतलब मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, वहां पर हमारी मस्जिद जरूर बननी चाहिए, बिल्कुल हमारा राइट है, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम कंट्री में अपने मुताबिक मंदिर बनवा ले, चर्च बनवा ले, नहीं ये तो गलत बात है, गुरुद्वारा बनवा ले, नहीं ये तो नहीं हो सकता, मुस्लिम कंट्री है ना, कैसे होगा ये। दूसरी कंट्री में सेम अपने को चाहिए लेकिन सेम राइट्स दूसरे वालों को आप इस्लामिक कंट्रीज में नहीं देना चाहते। उस जमाने गए पाकिस्तानियों, सुधर जाओ। यूएई, सऊदी अरब और इन जैसे जो बड़े मुस्लिम देश हैं वो समझ चुके हैं कि खेल क्या है, तुम लोग डूब रहे हो इसीलिए इस नफरती माइंडसेट के चक्कर में। मुझे तो अफसोस होता है कि इस्लामाबाद जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस मंदिर का, वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, सरकार तक ने कहा कि हाँ बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनना चाहिए, लेकिन यहां के कट्टरपंथी मुसलमान बनने दे रहे मंदिर वो, सोचिए ये हालत है। और ये बात करते हैं दूसरों के यहां कि हमारे माइनॉरिटी को राइट्स नहीं दे रहा है भारत, मुसलमानों को राइट्स नहीं दे रहा है, ये बात करते हैं, किस दोगले मुंह से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं यूएई का फर्स्ट हिंदू टेंपल, और ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का है। यूएई जो है हिंदुइज्म से लव भी करता है, इंडियंस को प्रायोरिटी भी देता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत खास है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है, और ये जो मंदिर है दुनिया यहाँ विजिट करने आएगी, कहा जाता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया। अगर इसके इसमें मौजूद इसमें मटीरियल की बात करें, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर की बात करें, तो वो ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किया गया, और जिन कारीगर्स ने इस मंदिर को बनाया वो भी तमाम के तमाम इंडियंस ही थे। हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है, और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता आज के ज़माने में। गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज़ आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को, इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ। आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एफ पी पर फॉलो करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा ये कि मेरा ये स्टांस है कि जितने भी अब आप देख लें, जो सऊदी अरबी हो गए, रियाज हो गए, जितने भी कंट्रीज वहाँ पे सिनेमाज ओपन हो गए, ओके, उससे पहले औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे सुनने में ही आया है कि वहाँ पे बार्स भी ओपन हो रहे हैं, ओके। और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से। अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने, अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो भी सेल ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि वो मेरा आई थिंक सो हर किसी का अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव ये है कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया।